सो भाई अल्टीमेट व्यूज गड़े जाडो लाग रहे है के भगवान ने इंसान बना दिया गधा बनाते बनाते तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक बार फिर से। तो भाई आप जैसे को आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि अभी जो मैंने पहले बताया कि मेरे साथ हो चुका था कांड और दिल्ली से किशनगढ़ की राइड पर हमारे साथ हो गया था सीन। तो हमारा जो मोबाइल है रास्ते में गिर ही चुका है, तो कैसे ना कैसे भाई अरेंज करके अभी हम वीडियो शूट का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि जिस के लिए हम आए थे तो वो तो हम वापस जा नहीं सकते थे। तो भाई कैसे ना कैसे करके हमने प्लान बना लिया है। तो भाई आपको मिलते हैं इंडिया के दूसरा शिमला, उसे कहते हैं बिल्कुल ही शिमला जो है, और वहाँ पर जाकर ही उसका नज़ारा फील लिया जाएगा, क्योंकि एक बातों में और देखने में रियलिटी में बहुत ही फर्क है। तो भाई आप बने रहिए और सुनिए आगे। यार समझ नहीं आ रही, भिका जी का कोई भी आइटम नहीं है यहाँ पे। खुश है भैया? ए भैया खुश है? थोड़े से भूंगड़े मूंगड़े, अरे बता तो दे, मूंगड़े फलारी खा ले। ये क्या देसी मीट का होटल देख रिया है भैया, और ये हमारे साथ खामा खामे जोन हो गया बंदा भांजा मिस्टर अजय, ये हमारे साथ जोन हो गया क्या बोल रहा है वो, कंपनी कंपनी के बंदे देख लेंगे बोले काम करा घूमने के। तो जिम्मी टी स्टॉल बड़ी फेमस है यहाँ कर, और ये नज़ारा है बिल्कुल हाईवे के पास में है, और ये भाई है जो ओनर है। भाई क्या बना रहे हो अभी? है? क्या बना रहे हो? चाय। कौन सी? कूलर। स्पेशल है? स्पेशल फायर है सर, फायर है बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया है भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है, शॉर्ट फॉर्म अक्की बोलते हैं। अच्छा अक्की, मेरा नाम भी अक्की है बिल्कुल। ओह नाइस टू मीट यू। ओके भगवान ने इंसान बना दिया गधा बनाते बनाते पास में आ चुके हैं, और यहाँ से रह गया है अपना 11 किलोमीटर, और जल्दी हम पहुँचने वाले हैं, और फिर आपको दिखाते हैं एक्सेलेंट अल्टीमेट पावरफुल व्यूज़। तो लेट्स गो। तो भाई हम यहाँ बिल्कुल एंटर करते हुए, और आपको बिल्कुल अंदर का नज़ारा दिखाएंगे अब। Thank you.
कैसा फील हो रहा है भाई? है दीपक, कैसा फील हो रहा है? अरे झाड़ू लाग रहे हैं गाइस? आपने पूरा व्यूज देखा ही है तो एक बार आना तो बनता ही है। ये है किशनगढ़, मार्बल का बहुत बड़ा व्यापार है इधर। और सुभाई मेरे को तो इतना मज़ा आया ना, बिल्कुल व्यू ऐसा है, लेकिन थोड़ी सी वो एनर्जी लेवल, वो मतलब वैसा एनर्जी लेवल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे साथ जो ट्रेजडी हो गई रास्ते में, जो हमारा मोबाइल गिर गया था, क्योंकि हमारे पास गोप्रो नहीं था और मोबाइल से शूट करना था, लेकिन भाई हमारे साथ में ऐसी दुखद घटना हुई, तो आपको तो जैसे पता ही है। तो थोड़ा सा लेवल वो जो हमें कहते ना एक्साइटमेंट था एक शूट करने का, वो पहले वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट बार अच्छे ही तरीके से और अच्छी टाइम से और वक्त के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तो भाई और बड़ा अल्टीमेट व्यू है, मज़ा आ रहा, जाने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल। तो भाई ये था डंपिंग यार्ड, जहाँ पर आपको मैं व्यू दिखाने के लिए लाया था। एक दूसरा शिमला है, एक मसूरी, या फिर मान लो एक ऐसा स्नोफॉल था। और वैसे हम लेट पहुँचे क्योंकि ये बंद होने वाला था 5 बजे, इसका टाइम है बंद होने का, और ओपन होने का इसका है 10 बजे का। तो भाई कभी भी आ सकते हो, ये बिल्कुल हाईवे से जस्ट 3 किलोमीटर अंदर है। और नेक्स्ट टाइम में पूरी प्लानिंग के साथ में आएंगे, इस बार तो थोड़ा सा हमारा कबाड़ा हो चुका है। तो भाई देखो अब क्या सीन होता है, अब निकल रहे हमारे अपने घर को, पहले हम जयपुर स्टे करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे दिल्ली, और फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय।